वैसे फैजी का कैरेक्टर एक अलग ही कैरेक्टर है, मतलब आपने इतने सारे आर्मी शोज़ देखे रहेंगे, आर्मी मूवीज़ देखे रहेंगे, ये थोड़ा एक हटके है। मतलब लाइक मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि एक थोड़ा सा एक शैतानी बचपना एंड एक थोड़ा एक नाइफ कैरेक्टर है इसमें, एंड इसका एक अलग ही चार्म है, एक अलग स्वैग है, वो फ्लर्टेशियस है ये फ्लर्टेशियस है, क्योंकि फैजी का प्रोमोज में भी है कि एफ दैट स्टैंड्स फॉर फ्लर्ट, तो एक फ्लर्ट है, बट एट द सेम टाइम वो बहुत डेडिकेटेड है अपने काम की तरफ, अपने देश की तरफ, तो उसके बहुत सारी शेड्स हैं इस कैरेक्टर के। वो एक कोयल बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड है, इंडिपेंडेंट है, बोल्ड है, फाइटिंग स्पिरिट है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है बहुत स्ट्रॉन्ग, और बहुत ही जिद्दी दिल जिसे कहते हैं वो है, उसे जो करना होता है वो कैसे भी करती है, शी नोज शी इज़ ब्यूटिफुल, शी इज़ अवेयर ऑफ इट, और उसे पता है कि लोग उस पर फिदा भी होते हैं, बट यू नो शी डजंट बॉदर हरसेल्फ। उसके मन में क्या चल रहा है, कोयल के मन में क्या चल रहा है, कोई नहीं जानता, नोबडी। इस कैरेक्टर में बहुत शेड्स हैं, बहुत लेयर्स हैं, इनफैक्ट जब मैंने लुक टेस्ट भी दिया था तो भी अलग अलग तरह के शेड्स में मेरा लुक टेस्ट हुआ था, एंड दैट्स हाउ आई रियलाइज कि बहुत कुछ है इसमें करने के लिए। बहुत ऑफ बीट पर्सन है, अनकन्वेंशनल है, किसी रूल को फॉलो नहीं करती हैं, लेकिन यू नो धीरे धीरे जैसे एपिसोड्स आगे बढ़ेंगे बहुत कुछ अनवील होगा इस कैरेक्टर के बारे में, एंड शी नोज हाउ टू यूज पीपल फॉर हर वर्क, ऑफकोर्स नॉट इन अ बैड वे, बट या शी मैनिपुलेट्स। I think like simple said, we really had a very intense workshops and intense audition ka process bhi iska bahut alag tha. Mujhe yaad hai mera jab audition liya gaya tha tab sabse pehle mera Sid ke liye hua tha audition, jabki us audition mein unko mere mein wo ek knife nature dikhai diya tha, jabki Faizi ki tab tak casting hui nahi thi, aur fir Faizi ke liye mujhe around like 6 to 7 rounds of interview auditions dene pade tab jaake is character tak pahunch paya. वर्कशॉप्स हुए, बहुत सारे वर्कशॉप्स हुए हमारे, काफ़ी सुबह सुबह 9 से 5, आई रिमेंबर द फर्स्ट डे, आई वाज लाइक मैंने कहा व्हाट हैव आई साइन, यू वोंट बिलीव इट, इतना मज़ा आया हमें वर्कशॉप में, बिकॉज इतना कुछ सीखा हमने, सिर्फ अपने बारे में नहीं, अपने दोस्तों के बारे में, इन सब के बारे में, वी वर एट यू नो वी वर वन उस समय, एंड ट्रस्ट मी वी वर एक्चुअली लिविंग द आर्मी लाइफ, वी यूज्ड टू गेट अप अराउंड एट 3:30 इन द मॉर्निंग, हम सेट पे अगर हमें पहुंचना है 4 या 5 बजे, अगर इवन वर्कशॉप्स भी होते थे 7 बजे, तो 5 बजे उठ के 7 बजे डॉट शार्प पहुंचो, पहले वर्कआउट करो वर्कआउट करो, फिर वहाँ पे जाके फिर वर्कशॉप्स के लिए फिर प्रेप करो, फिर वो सारी चीज़ें, फिर कैरेक्टराइजेशन, फिर जो ब्रीफिंग होती थी, इनफैक्ट वर्कशॉप्स में हमें शो से रिलेटेड नहीं पर एक्टिंग से रिलेटेड बहुत कुछ सीखने को मिला, हाउ टू यूज योर ब्रेन इन द मोमेंट, व्हाट टू ऑब्जर्व, बहुत सारी चीज़ें जो नॉर्मली ऑन द सेट आप मतलब वर्कशॉप्स नहीं करते हैं लेकिन उन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू द चैनल एंड द प्रोडक्शन हाउस की हमारी ये वर्कशॉप्स हुई, और जो पैंडेमिक में हम लेजी हो गए थे, लेट उठने की आदत वो सारी चले गई, बिकॉज हमें ये 3 बजे भी उठाते हैं, 3:30 बजे भी रात के उठाते हैं, ऑफ भी होता तो भी हम लोग वी गेट अप अराउंड एट 5 o'clock, या बिकॉज यू गेट यूज्ड टू इट, योर बॉडी क्लॉक एक्चुअली, मतलब आई यूज्ड टू स्लीप ड्यूरिंग द पैंडेमिक, आई यूज्ड टू स्लीप अराउंड एट 4 AM और 5 AM, क्योंकि कोई एजेंडा ही नहीं होता था, अभी कैसा होता है कि 11:30 को सो जाओ, 4 या 5 बजे उठो और शूट के लिए आ जाओ। मैं तो यही चाहता हूँ कि वॉच द शो, हमने बहुत मेहनत की है, एक यंग शो है, इस तरह के शो यूजुअली इंटरनेट के लिए बनते हैं, पर ये टेलीविजन के लिए इतना अनकन्वेंशनल शो है जिसमें बहुत रियल इमोशंस हैं। एज अ यूथ आई विल बी एबल, आई मीन आई इफ आई वॉज एन ऑडियंस, मैं ये शो ज़रूर देखती, बिकॉज आई कैन रिलेट टू इट, यू नो कैरेक्टर्स रियल हैं, फन भी है, मज़ा भी है, अच्छे एक्टर्स भी लिए हैं, डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं हमारे, तो यू नो इन ऑल हमें भी मज़ा आ रहा है, एंड आई एम 100% श्योर द ऑडियंस इज गोइंग टू इन्जॉय इट। मैं ये समझता हूँ कि यू नो अभी जो द जनरेशन हैज़ चेंज, द ऑडियंस हैज़ चेंज, द टारगेट ऑडियंस एंड द ग्रुप हैज़ चेंज, तो अभी जिस पैंडेमिक में हमने देखे थे बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स आए थे, तो टेलीविज़न का आई थिंक ये फर्स्ट शो होगा जिसको एक OTT प्लेटफॉर्म के तरह शूट किया गया है, मतलब इट्स नॉट लाइक अ ऑलवेज लाइक अ टेलीविज़न फॉर्मेट जैसे शूट नहीं किया है,
It's a very completely unconventional different format altogether. बहुत energy है show में. बहुत energy. Enthusiasm है और बहुत सारे different characters हैं. सिर्फ हम 6 ही नहीं हैं, जो supporting cast भी है बहुत अच्छे हैं. उसमें भी बहुत सारा humor निकल के आता है, दोस्ती निकल के आती है. हमें सिर्फ 6 को छोड़ के इतने सारे characters हैं इस show में कि आपको मतलब like आप दंग रह जाएंगे यार किसकी तरफ ज़्यादा focus करें. There is romance, there is humor, there is fun, there is fights. So everything is there. Fights. He just looked at me. I have a fight with him. I have a fight with another character which is hilarious. मतलब मैं उसको dishum करती हूँ. तो आपको मज़ा आएगा आगे in future. Floor. हाँ. Thank you. Thank you so much.